प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर करनाल से। आपको बता दें कि करनाल में विधायक नैना चौटाला को किसानों का विरोध झेलना पड़ा है और उनके साथ ही अजय चौटाला भी किसान प्रोटेस्ट में फंस गए। आपको बता दें कि करनाल में ट्रैक्टरों पर सवार किसानों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी यहां पर नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि करनाल के महात्मा गांधी चौक पर नैना चौटाला और अजय चौटाला दोनों को ही विरोध का सामना करना पड़ा है और ये विरोध उनके लिए इस कदर मुश्किल हो गया कि चौटाला दंपति को मौके से अपनी गाड़ी निकलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस को यहाँ पर काफी मशक्कत करनी पड़ी है उनकी गाड़ी को यहाँ से निकलवाने में। और आपको बता दें कि दोनों ही दंपति ने मीडिया से बातचीत करने से इंकार कर दिया। आपको बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन के स्वरूप ही प्रदेश में भाजपा सरकार और उनकी गठबंधन पार्टी जजपा को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है जो करनाल से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि करनाल में विधायक नैना चौटाला को किसानों का विरोध झेलना पड़ा है और उनके साथ अजय चौटाला भी किसान प्रोटेस्ट में फंस गए। बता दें कि ट्रैक्टरों पर सवार किसानों ने दोनों के ही खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी यहां पर नारेबाजी की गई है। बता दें कि करनाल के महात्मा गांधी चौक पर दोनों को ही किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ये विरोध इनको इस कदर महंगा पड़ा कि चौटाला दंपत्ति को मौके से गाड़ी निकलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और यहां पर पुलिस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और आपको बता दें कि दोनों ही दंपत्ति ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है इसी आंदोलन की आंच जजपा को झेलनी पड़ रही है।